नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चा पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जब चुनाव आता है तो नेताओं के बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में वोट हासिल करने के लिए नेता कोई किसी के घर में जाके कुत्ते को खिलाने लगता है, कोई मशीन में चारा काटने लगता है, कोई खेत में जाके गेहूं काटने लगता है। तमाम तरह के रंग आपको इस भीषण गर्मी में दिखाई पड़ेंगे। जो नेता तापमान बढ़ने के साथ गर्मी के दिनों में एसी से बाहर नहीं आते, अब वो खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं, जनता के पैरों में गिरे जा रहे हैं। वोट की खातिर नेताओं ने घर बार छोड़ रखा है, गांव गिराव में पड़े हुए हैं। बात आज कुछ ऐसी तस्वीरों की जो ये बताती है कि सियासत में वोट पाने की खातिर नेता न तो दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं। एक वाक्य आया जब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का, जो घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके पिताजी के जो बयान थे, बोल थे, उसको डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता के सामने लेट कर माफ़ी मांगो। एक वाक्य आया जिसमें फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी खेत में गेहूं काटती हुई नजर आई। एक वाक्य और आया जिसमें सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी प्रचार के दौरान गांव में पहुंच गए और खेत में गेहूं की फसल काटने लगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों गेहूं की कटाई का दौर चल रहा है, लेकिन नेता गेहूं के बहाने वोट की फसल काटने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन मंदिरों में जाकर त्रिपुर सुंदरी के चरणों में पड़े हैं। कई सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। छड़ी जो निशान है ओम प्रकाश राजभर का, उस निशान को लेकर अरविंद राजभर को लेटना पड़ा। और हेमा मालिनी हर चुनाव में एक बार आपको खेत में फसल काटते हुए जरूर दिखेंगी, और संयोग यह है कि उस समय गेहूं की फसल उगी रहती है। पिछले चुनाव में भी वो आई थी और उन्होंने खेतों में महिलाओं के साथ गेहूं की फसल काटी थी, और इस बार भी। तो ये साफ है कि हेमा मालिनी के चुनाव में खेतों में उतरने का जो तरीका है वो दर्शाता है कि इसके पीछे जो मकसद है, उस मकसद में गेहूं की कटाई नहीं बल्कि वोटों की कटाई करना है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश में बात हेमा मालिनी की आती है तो लोग उनकी गालों की तुलना सड़कों के गड्ढों से करते हैं। तमाम सारे नेताओं को ये बात याद आ जाती है। इस देश में बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भाषण में इस्तेमाल किया है कि हम सड़कों को उनके गाल की तरह बना देंगे। हालांकि एक सतत प्रक्रिया है, कोई भी सड़क हमेशा चिकनी नहीं रह सकती जैसा नेता दावा करते हैं। सहारनपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद इन दिनों हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में चुनाव जीतने के लिए मत्था टेक रहे हैं। बंगाल में त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में उनका मत्था टेकने का एक फोटो सामने आया है, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इमरान मसूद की वजह से गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। तो ये सब देखिए, चुनाव का खेल है। अगर 5 साल पे चुनाव ना आए तो नेता अपने कार से बाहर ना निकलें। ये तो कहिए कि चुनाव में नेताओं को जनता के सामने झुकना पड़ता है, और यही वजह है कि चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या कोई फिल्म का सेलिब्रिटी, उसको गांव गरीब, जिनको वो लोग कहते हैं कि इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखो, कुछ लोगों को उनसे बदबू भी आती है, कुछ लोगों को उनके पहनावे और उससे भी दूरी रखते हैं, लेकिन चुनाव में पैर पकड़ने के तैयार हैं, उनके साथ काम करने के तैयार हैं, उनके घर की रोटी खाने के तैयार हैं, खेत खलिहान में बैठ के चर्चा ऐसी करते हैं जैसे उनके सब दुख दर्द को वो वापस ले लेंगे।
तो ये है वक्त वक्त की बात है। एक बार चुनाव बीत जाएगा फिर 5 साल जनता नेताजी का इंतजार करेगी। अभी तो नेताजी जनता के कदमों में बिछे हुए हैं। पावर सेंटर में बात अब एक ऐसी खबर की जो सियासत में बड़ी रोचक है। उत्तर प्रदेश से देश की संसद में सर्वाधिक बार जीत कर पहुंचने वालों के कुछ रिकॉर्ड हैं। इस रिकॉर्डों पर आज इस खबर पर चर्चा होगी। ये जो वर्तमान लोकसभा चुनाव है वो इस रिकॉर्ड में और इजाफा करेगा। ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ से 5 बार सांसद चुनकर और उससे अधिक बार सांसद चुने जाने वाले लोगों में कौन कौन लोग शामिल हैं। एक लंबी फेहरिस्त है। अटल बिहारी वाजपेयी तो 10 बार सांसद चुने गए हैं। वो उत्तर प्रदेश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है। इतना आसान नहीं है कि कोई 10 बार सांसद बन जाए। राजनीति में लोग 1 बार सांसद और विधायक बनने के लिए तरसते हैं, लेकिन जब आपका चेहरा और चरित्र दोनों बड़ा हो जाता है तो फिर आप इन सब जो आकांक्षाएं हैं, जो आपकी मन दिल के सपने हैं, उनसे आप आगे निकल जाते हैं। जब आप जनता की नज़र में एक आइडियल नेता बन जाते हैं, आदर्श बन जाते हैं, तो फिर कोई भी पंचायत हो, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, आपको जनता पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश से इस समय सर्वाधिक बार संसद पहुंचने वालों में नाम है मेनका गांधी का, उनके साथ संतोष गंगवार का। ये दो नाम ऐसे हैं जो सर्वाधिक 8 बार संसद में पहुंचे हैं। हालांकि संतोष गंगवार और मेनका गांधी के आगे अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो 10 बार संसद में पहुंचे और 8 बार के सांसद चंद्रशेखर भी रहे हैं, लेकिन अब ये लोग जीवित नहीं हैं। उसमें मेनका गांधी इकलौती हैं। संतोष गंगवार चूंकि इस बार उनको टिकट नहीं मिला है तो लिहाजा वो भी अब रेस से बाहर हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी एक इकलौती ऐसी नेता है जो भाजपा के टिकट पर 9वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और संसद में जाने की तैयारी में हैं। इस बार वो जीतती हैं तो एक वो बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगी और कहा जाए तो कई सारे रिकॉर्ड वो तोड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी एक रिकॉर्ड जुड़ा है कि वो 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। वो विधान परिषद के भी मेंबर रहे, विधानसभा के भी मेंबर रहे। तो योगी के साथ 7 बार वो सदन में प्रवेश कर चुके हैं विभिन्न, और वो भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सब पर भारी है। चंद्रशेखर 8 बार सांसद रहे, ना अटल अब हैं ना चंद्रशेखर हैं। मेनका गांधी भी 8 बार सांसद हैं, 9वां चुनाव वो लड़ रही हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यूपी में इस तरह के बहुत सारे और नाम हैं, लेकिन जब हम मेनका गांधी से नीचे उतरेंगे तो 5 बार के सांसदों से पहले 6 बार में बिजभूषण सरन सिंह का भी नाम है। मुलायम सिंह 6 बार सांसद रहे, अजीत सिंह 6 बार सांसद रहे, लेकिन अब ये दोनों नेता हमारे बीच नहीं हैं। बिजभूषण सरन सिंह 6 बार सांसद बन चुके हैं और अभी उनका टिकट 7वीं बार क्लियर नहीं हुआ है। अगर उनको टिकट मिला तो वो 7वां चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा 6 बार के सांसद बनकर उनका काम खत्म हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं। बिजभूषण के बाद अब हम आते हैं कि 5 बार जो लोग सांसद बने हैं उनमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी 5 बार सांसद बने थे, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो जो 5 बार के सांसद हैं उसमें योगी इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी सियासत में सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं। और अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि उनके पास उम्र लंबी है, अभी वो 25-30 साल देश की सक्रिय सियासत में रहेंगे और किसी न किसी सदन में आते जाते रहेंगे। तो अगर अटल बिहारी के रिकॉर्ड तक कोई पहुंच सकता है तो योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। तो ये सब जानकारी इसलिए है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सिरमौर है उसमें कितने बड़े बड़े नाम रहे और उनके नाम पर कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां दर्ज हैं।
यूपी में जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं मंत्रियों का कलेजा धुक धुक करने लगता है, उनको ये डर सताने लगता है कि कहीं पार्टी उनको लोकसभा का टिकट न दे दे, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा मंत्री हैं पूरे प्रदेश में, उनके पास अच्छा डिपार्टमेंट है, उनका सिक्का चल रहा है, राजाओं की तरह है, सारा शानो शौकत लाव लश्कर है, और जीत गए सांसद बन गए तो फिर उन्हीं मंत्रियों के आगे पैर लेके घूमे, हमारे यहाँ ये सड़क बनवा दो, हमारे यहाँ अस्पताल में काम करा दो। अब इस बार भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में दो महत्वपूर्ण मंत्रियों को भाजपा ने टिकट दे दिया। पहले मंत्री हैं जितिन प्रसाद और दूसरे हैं जयवीर सिंह। जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री हैं, जिनको मैनपुरी से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, और जितिन प्रसाद पीलीभीत से प्रत्याशी हैं और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। अब इन दोनों के जीतने के आसार क्या हैं, और अगर जीत गए तो खुश होंगे कि दुखी होंगे, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि चुनाव में कहते हैं कि लोग लड़ो और जीत जाओ तो इससे बड़ी खुशी क्या है, लेकिन यहाँ पर आलम दूसरा है। सार्वजनिक रूप से तो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से दर्द ये है कि मंत्री कैबिनेट का कितना बढ़िया पद था, और सांसद कहीं बन गए जीत के तो जो कुछ मजा था, जो कुछ माल पानी था, सब निकल जाएगा। जब पिछला चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में तो आपको एक वाकया बताऊं कि तीन मंत्रियों को टिकट दिया गया था, उसमें से अंबेडकर नगर से दिया गया था मुकुट बिहारी वर्मा को, उस समय वो सहकारिता मंत्री थे। दूसरा दिया गया था सत्यदेव पचौरी को, उस समय वो कानपुर से टिकट दिया गया उनको, और यहाँ पर एमएसएमई मंत्री थे, और खादी के सत्यदेव के बाद एक टिकट दिया गया था रीता बहुगुणा जोशी को, जो महिला कल्याण और कई सारे विभागों की मंत्री थी। इसमें से रीता जीत गई, सत्यदेव पचौरी जीत गए और मुकुट बिहारी वर्मा चुनाव हार गए। अब किस्मत देखो, चुनाव हारने वाला मंत्री बना रहा, वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे आगे ढाई साल, और रीता बहुगुणा जोशी और सत्यदेव पचौरी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जाके केंद्र में सांसद बने। पाँच साल सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी नहीं बन पाए, जो कुछ यहाँ पर था मंत्री के रूप में विभाग और व्यवस्था वो सब भी छिन गई। तो ये अजीब सा दुर्भाग्य है सियासत का, और ख़ास तौर से आप ये कह लीजिए कि भाजपा में किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो टिकट लौटा दे और कोई कारण बतावे कि हम नहीं लड़ेंगे। पता लगा टिकट लौटाओ तो इधर मंत्री पदों खिसक गया। अब जीत गए तो वाहवाही तो बटोरेंगे, हो सकता है केंद्र में मंत्री भी बन जाए जितिन, क्योंकि एक बार वो मंत्री रहे हैं। और लेकिन अगर हारे तो यूपी में पीडब्ल्यूडी जैसा भारी भरकम महकमा जो है वो उनका खतरे में पड़ जाएगा, ये भी तय है। इतना आसान नहीं कि वो उसको रिटेन कर पाएंगे। मुकुट बिहारी वर्मा बहुत खांटी नेता थे, संघ के थे, भाजपा के पुराने नेता थे, उनको बर्दाश्त कर लिया। उनका 75 साल वाला भी सिस्टम था कि चलो ढाई साल और खींच लो, अगले बार रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जितिन प्रसाद के मामले में मामला उल्टा बैठ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जयवीर सिंह को मैनपुरी से टिकट दिया गया, वो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, मुलायम सिंह की विरासत की सीट है, मुलायम सिंह की वो बहू हैं, उस कर्मस्थली पर डिंपल ने उपचुनाव जीता है और करीब 3 लाख लगभग वोटों से जीता है डिंपल यादव ने। इस बार का जो आम चुनाव है उसमें वो कितनी उनको टक्कर दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जयवीर सिंह के लिए भी। हालांकि आपको बताएं कि जयवीर सिंह एक ज़माने में मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, तब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए थे जब 2003 से 7 तक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। आज वही जयवीर सिंह उनकी बहू के खिलाफ भाजपा के टिकट से चुनाव में उतरे हैं, वो समाजवादी पार्टी के उस किले को ढहाने के लिए मैदान में उतरे हैं, जिसकी उंगली पकड़कर वो सियासत में आज कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचे हैं। अतीत के पन्नों में जो सच्चाइयां दर्ज हैं, जो इतिहास में चीज़ें दर्ज हो गई, वो मिटने वाली नहीं है। जयवीर सिंह भी इस बात को जानते हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस में रहे, फिर वहाँ पर चुनाव हार गए लोकसभा का, उसके बाद उनको MLC बनाया, भाजपा में आए, फिर यहाँ पर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया।
और पीडब्ल्यूडी जैसे बहुत बड़े महकमे के वो मंत्री हैं। अब उन्होंने कहा कि हम अगर जानते होते पीलीभीत में तो हम पीलीभीत को बंबई बना देते। भाई ठीक है, जहां धौरहरा से लड़े सांसद रहे, जहां ये पैदा हुए शाहजहांपुर में, इन दोनों जिलों को तो कम से कम बंबई बन जाना चाहिए था सड़कों के मामले में। पता नहीं कितना फ्लाईओवर बना वहां आज तक, ये तो जितिन जी ही ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन सियासत में ऐसे जुमले, ऐसे भाषण उछाले जाते हैं जो लोगों को पसंद आए। बीजेपी ने जो रिस्क लिया है उसमें वो कितना कामयाब होगी ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। हालांकि जितिन की जो आखिरी और अंतिम उम्मीद है वो उम्मीद है मोदी लहर की। उस लहर पर सवार होकर शायद इस बार वो लोकसभा का चुनाव जीत जाएं और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर जाएं। वैसे उनके दिल्ली जाने से उनके पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत सारे लोगों को काफ़ी राहत महसूस होगी कि चलो एक बड़ा महकमा खाली हुआ, उसके कई सारे दावेदार भी इस समय मैदान में हैं, हालांकि वो दबी जुबान से हैं। पावर सेंटर में अब एक रोचक खबर के बारे में बात। गांधी जो सरनेम वाले नेता हैं वो इस चुनाव से अचानक से गायब हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला ऐसा लोकसभा चुनाव है जिसमें गांधी सरनेम के नेताओं पर अचानक से एक रहस्य बन गया है, एक पर्दा पड़ गया है कि आने वाले वक्त में गांधी परिवार से जो नाम जुड़े होते थे वो कोई चुनाव लड़ेंगे या इस बार ये चुनाव गांधी नाम के विहीन लड़ा जाएगा। बात अमेठी और रायबरेली के साथ साथ वरुण गांधी की भी है। अमेठी और रायबरेली में लोग जहां प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद वो लगातार चुप्पी साधे हैं। उस गांधी का भविष्य क्या है इस पर भी अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। गांधी परिवार और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले नाम इस बार के यूपी के चुनाव से नदारद हैं, लेकिन कांग्रेस के जो जानकार हैं वो इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा मानते हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारी राहुल गांधी का अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से संभावित प्रत्याशी मानकर तैयारी करने में अंदर खाने जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो वायनाड है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहां 26 अप्रैल को मतदान होना है। उस मतदान के बाद अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अमेठी और रायबरेली में पांचवें चरण में चुनाव होना है और यहां पर 27 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। तो उधर 26 को मत पड़ जाएंगे और 27 से अमेठी और रायबरेली में नामांकन शुरू होंगे, तब तस्वीर सामने आएगी कि यहां से चुनाव कौन लड़ेगा। वैसे राहुल और प्रियंका गांधी के नाम को इस बात से भी बल मिलता है कि जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ी थी तब उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें अपने परिवार के लिए उन्होंने रायबरेली और अमेठी की जनता से अपील की थी कि वो उसे संभालें। लेकिन एक और गांधी सरनेम का आदमी जिसका पीलीभीत से टिकट कट गया, उसकी जो विरासत है वो अचानक से मध्यम पड़ गई है, वो शांत है, चुपचाप है। उसका क्या रुख होगा इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वरुण गांधी अभी तक अपने टिकट को लेकर कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन उनकी माँ इकलौती गांधी सरनेम की व्यक्ति हैं जो चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही हैं, और अपने बयान में वो वरुण गांधी का जो भविष्य है उसको वो उज्ज्वल मानती हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा ने वरुण को लेकर उनको कुछ आश्वासन दिया है, कुछ चीज़ें तय हुई हैं जो भविष्य में पता चलेंगी। लेकिन मेनका गांधी वरुण गांधी की माँ हैं और उनके सामने उनके बेटे का जो राजनीतिक भविष्य है उसकी जो तस्वीर है वो उनके हृदय में क्या है वो जानती हैं। वो ऊपर से शायद मुस्कुरा रही हैं लेकिन अंदर की कहानी उनको पता है। वरुण गांधी का टिकट कटना उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई मामूली बात नहीं है। अगर आज वरुण
कांग्रेस में होते तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनका टिकट काट दे। टिकट काटना तो दूर, वो आज टिकट बांट रहे होते, ऐसी भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन भाजपा में परिवारवाद, सरनेम, बड़े बड़े इतिहास में दर्ज नामों के विपरीत वरुण गांधी का टिकट कट गया। ये अपने आप में एक विचित्र स्थिति है कि एक जगह पर जहां वो टिकट बांटता, दूसरी जगह पर आज उसे टिकट के लिए तरसना पड़ रहा है। वरुण गांधी का टिकट कटना भाजपा की अंदरूनी रणनीति हो सकती है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब उनके प्रति लोगों में एक सहानुभूति है। जो वरुण गांधी हिंदुत्व के सिरमौर बन रहे थे, बीजेपी में शीर्ष की ओर जा रहे थे, वो आज चुनावी मैदान से गायब हो गए हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस बीजेपी के लिए वरुण और उनकी मां ने हिंदुत्व का इतना बड़ा परचम अपने ऊपर उठाया, उसको आगे बढ़ाया और वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे, आज वही बीजेपी शिखर पर है, बुलंदी पर है, लेकिन वरुण का कैरियर जमीन पर आ गया है, अंधकारमय हो गया है। तो जो जो सियासत के ये अलग अलग मैसेज हैं, ये अलग अलग निर्णय हैं, ये दर्शाते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं रह सकता है। जो लगता है कि बहुत बड़े नाम वाला है, उसको भी बीजेपी में हाशिए पर जाना पड़ा है। ये जरूर है कि वक्त सबके जीवन में अच्छा और बुरा दौर दिखाता है। हो सकता है कि वरुण के लिए भी कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन आज जो तस्वीर दिख रही है उसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राणा के इस शेर के साथ समापन करूंगा, जिसमें जो आदमी तटस्थ भाव से रहता है, जिसको लालच नहीं रहती, जिसके पास इच्छा शक्ति होती है, उसके लिए जीवन में न कोई दौर अच्छा है न बुरा है, वो हमेशा एक भाव से जीने वाले लोग सुखी माने गए हैं। इस पर मुनव्वर राणा ने लिखा है, सुनिएगा, कि मैं खुल के हंस रहा हूँ फकीर होते हुए, और वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए। यहाँ पे इज्जतें मरने के बाद मिलती हैं, मैं सीढ़ियों पे पड़ा हूँ कबीर होते हुए, और अजीब खेल है दुनिया तेरी सियासत का, मैं पैदलों से पिटा हूँ वजीर होते हुए, और जिसे भी चाहिए मुझसे दुआएं ले जाए, मैं लुटा रहा हूँ दौलत फकीर होते हुए। नमस्कार। शादी